खैर कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मेरे वीडियो देख रहे होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ग्लाइडर का जो बग है वही बताने वाला हूं मैं आपको फिर से एक बार। मैं वैसे पहले बता चुका हूं, लेकिन वो दूसरे मैप में बताया था, बर्मुडा मैप में बताया था, तो बहुत बंदों ने कमेंट किया था परगेटरी मैप में कैसे कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नीचे लाल बटन आ रहा है उसको दबाओ, और एक बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी मैं फ्री फायर की वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस जो बग या ग्लिच मैं आपको बताने वाला हूं तो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो उसको यूज कर सकते हो आप परगेटरी मैप में, जो ये परगेटरी मैप है इसमें इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बर्मुडा मैप में करना है तो उस पर मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। सो गाइस इसके लिए आपको सिंपली दो चीज़ें चाहिए होगी, पहली चीज़ जो है वो है आपका ग्लाइडर जिसका यूज़ करोगे आप उड़ने के लिए, और दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी गाड़ी, मतलब गाड़ी में बाइक छोड़ के आप कोई भी गाड़ी उठा सकते हो ईजिली, और उसका यूज़ कर सकते हो इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए, ठीक है। और गाइस इसका यूज़ करने से आपका अकाउंट बैन में नहीं होने वाला है, तो आप इसका यूज़ इजीली कर सकते हैं और कोई भी टेंशन लिए बिना। तो जब तक मेरे को गाड़ी मिलती है और ग्लाइडर मिलता है तो तब तक मेरे को एक क्वेश्चन था, तो आपसे वो पूछ लेता हूँ। सो गाइस ये है एडवांस सर्वर, जो कि कल मेरे पास अभी इसमें 33,000 डायमंड है, 33,000, तो ये जो है कल बंद हो जाएगा। तो इसके यूज़ में किस लिए करूँ ये मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है। इसका यूज़ मैं दो चीज़ के लिए कर सकता हूँ, पहला है यहाँ पे इनक्यूबेटर, जिसमें आपको पता होगा कि ड्रेस निकालने के लिए बहुत ज़्यादा डायमंड लगते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पे है आर्मरी क्रेट, मतलब जो गन स्किन होती है अच्छी अच्छी वाली, तो वो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ ये डायमंड। तो आप दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा चाहिए आपको, मतलब देखना है कि कितने डायमंड में खुलता है। बेसिकली ये मेरे को मिलने वाला है नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं स्पिन करने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले कि यार कितने डायमंड लगते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ निकालनी हो। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप क्या चीज़ देखना ज़्यादा पसंद करोगे, गन की स्किन निकालना है या फिर जो इनक्यूबेटर में ड्रेस है और डायमंड रॉयल है वो निकालना आप ज़्यादा पसंद करोगे, तो ये कमेंट करके ज़रूर से बताना। सो गाइस यार यहाँ पे मेरे को जो है ग्लाइडर मिल चुका है और मेरे को गाड़ी चाहिए, तो सामने जो है एक बाइक दिख रही है, तो बाइक को लेकर चलते हैं और गाड़ी को ढूंढ के लाते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि उसको आप कैसे कर सकते हैं। सो गाइस इस ट्रिक के लिए आपको बाइक नहीं चलेगी, बाइक के सिवा आप दूसरी कोई भी गाड़ी का यूज़ कर सकते हो। तो जब तक कि मेरे को नई मतलब दूसरी गाड़ी मिलती है बाइक के सिवा दूसरी, तो बाइक लेके चलते हैं और दूसरी कोई गाड़ी ढूंढ के लाते हैं वो ट्रिक यूज़ करने के लिए। तो जब तक मेरे को गाड़ी मिलती है तब तक जो नए बंदे आए हैं इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो उन सभी को एक चीज़ बताने दी, तो वो बता देता हूँ कि गाइस अगर आपको फ्री फायर गेम में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैंने ये वाला फोटो डाला है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं अगर सॉल्यूशन उसका दे पाऊँगा तो जल्दी से जल्दी आपका सॉल्यूशन दे दूँगा। और पता है इसमें मतलब दो चार बंदों ने ऐसा कमेंट किया था, मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि हमारा जो 10 रुपये का एड्रॉप है वो डॉलर में दिखा रहा है, तो उनका मैंने सॉल्यूशन वहाँ पे कर दिया था, और उनका मतलब 24 घंटे में वो चला जाता अगर मैं सॉल्यूशन नहीं करता, तो उनको 10 रुपये में 300 डायमंड मिल गए। तो मतलब अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जो अर्जेंट है तो आप वहाँ पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, तो मैं जल्द से जल्द आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। और अगर आपको नेटवर्क लैग होता है, आपका गेम लैग होता है, आपका पिंग का प्रॉब्लम हाई रहता है, तो उसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको नीचे कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। आप नीचे कमेंट में जाओगे तो सबसे ऊपर वाला कमेंट मेरा होगा, उसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसमें जा सकते हो और अपना जो मतलब पिंग का प्रॉब्लम आता है, मतलब आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर मतलब आपका फ़ोन में रैम कम है, तो वो वीडियो आप देख लेना और अपने जो गेम प्ले है उसको इम्प्रूव कर पाओगे। सो गाइस यहाँ पे गाड़ी मिल चुकी है, तो यहाँ पे आपको आ जाना है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, तो मैं आपको मैप ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये कौन सी जगह है। तो सिंपली आपके पास पहले दो चीज़ें होनी चाहिए, ग्लाइडर और ये कोई भी गाड़ी, मतलब गाड़ी कोई भी चलेगी सिंपल, बाइक को छोड़ के कोई भी गाड़ी, ठीक है। तो फील्ड के पास आपको ये ट्रक देखने को मिल जाएगी जो यहाँ पर पड़ी हुई है आड़ी, तो इस ट्रक के पास आना है और जिस एंगल में मैं गाड़ी लगा रहा हूँ इस एंगल में आपको गाड़ी लगा देनी है, ठीक है। फिर आपको बटन छोड़ देना है और फिर अपना जो नेट होता है, मतलब आप अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो उसको ऑफ कर देना है, उसको ऑफ करने के बाद गाड़ी को थोड़ा पीछे लेना है और फिर सीधा चलते रहना है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपको ऐसे करना है, पहले गाड़ी को वहाँ पे अड़ा देना है, फिर नेट को ऑफ कर देना है, फिर गाड़ी को पीछे लेना है थोड़ा सा, और फिर सीधा सीधा गाड़ी को जाने देना है, ठीक है, सीधा सीधा। अब एक बात याद रखना कि आपकी गाड़ी कहीं पर अड़ के रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको गाड़ी सीधी सीधी चलाते जाना है, और जैसे ही देखो यहाँ तक आ जाए ये वाला लास्ट पेड़ है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको अपना नेट ऑन कर देना है। नेट ऑन करने के बाद आपको अपना बटन है वो दबा के रखना है, जो आगे जाने वाला बटन है वो,
मतलब ज्यादा स्पीड में नहीं चलाना, थोड़ा दबाना है छोड़ना है, दबाना छोड़ना है, ऐसा करके आपकी गाड़ी का जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है। तो जैसे आपका नेट आएगा आप जमीन के अंदर जाओगे, जैसे आपकी गाड़ी जमीन के अंदर जाती है तो आपको जो अपना जंप वाला बटन है उसको दो बार दबा देना है, ठीक है। आप जो गेम में जंप करते हो वो वाला बटन एक साथ दो बार दबा देना है, ठीक है। और जैसे ही आप अपना जंप वाला बटन दो बार दबाओगे, गाड़ी जमीन के अंदर घुसते ही आपको तुरंत दबा देना है, ठीक है। जैसे ही गाड़ी जमीन के अंदर घुसती हुई आपको दिख जाए, आपको जंप वाला बटन दो बार दबा देना है, तो आपका जो ये ग्लाइडर है ये खुल जाएगा, ठीक है। फिर इसका यूज़ करके आप कहीं पर भी जा सकते हो जहाँ तक आपको जाना है, और ग्लाइडर होना ज़रूरी है, ओके। अगर आपके पास ग्लाइडर नहीं होगा और अगर आप जमीन के अंदर चले जाओगे तो आप एलिमिनेट हो जाओगे, ठीक है। तो ग्लाइडर होना ज़रूरी है। और आपको बाहर कैसे निकलना है, ठीक है, तो जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ जिस तरफ पानी दिख रहा होगा आपको उस तरफ आपको सिंपली चलते रहना है। तो थोड़ी देर बाद जो है ज़मीन नीचे की तरफ जा रही है वहाँ पे, तो आप सिंपली वहाँ से जो डायरेक्ट बाहर निकल जाओगे। मैं निकल के दिखा दे रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो और सब्सक्राइब करने जैसा लगे तो कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मैं जब भी फ्री फायर की कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से मेरे को बताना।